श्रीलंका के खिलाफ 20 अगस्त से शुरू हो रही वनडे और टी20 सीरीज में युवराज जगह बनाने में नाकाम रहे। वहीं लंबे वक्त से टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे रैना को भी जगह नहीं दी गई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद रैना इस सीरीज से वापसी कर लेंगे, लेकिन चयनकर्ता इसके मूड में नहीं दिखे। लेकिन आखिर दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने का कारण क्या है? चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद ने कहा था कि युवराज को आराम दिया गया है, लेकिन अब आई खबरें तो कहीं और ही इशारा करती हैं। खबरों के मुताबिक फिटनेस टेस्ट में फेल होने के कारण टीम इंडिया के स्टाइलिस्ट बल्लेबाज युवराज सिंह और सुरेश रैना को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। दोनों खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में यूयू एंड्योरेंस टेस्ट पास कर पाने में नाकाम रहे। दरअसल भारतीय टीम नियमित तौर पर कई तरह के फिटनेस परीक्षण से गुजरती है और इनमें यूयू टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। मौजूदा भारतीय टीम के लिए 19.5 से ज्यादा स्कोर मान्य होता है। भारत के सबसे फिट क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली इस प्रशिक्षण में लगभग 21 का स्कोर बना देते हैं। युवराज और रैना ने हालांकि इस प्रशिक्षण में 19.5 से काफी कम स्कोर बनाया। युवराज केवल 16 का स्कोर ही बना पाए, जो कि उनके टीम से बाहर होने का मुख्य कारण रहा। BCCI के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि वर्तमान थिंक टैंक कोच रवि शास्त्री, कप्तान विराट कोहली और चयन समिति के अध्यक्ष MSK प्रसाद ने साफ किया है कि फिटनेस के स्तर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। औसतन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर यूयू परीक्षण में 21 का स्कोर बनाते हैं। यहां विराट, रविंद्र जाडेजा और मनीष पांडे लगातार ये स्कोर बनाते रहे हैं, जबकि अन्य 19.5 या इससे अधिक का स्कोर हासिल करते हैं। हम आपको बता दें कि आखिर ये यूयू टेस्ट क्या है। कई कोण की मदद से 20 मीटर की दूरी पर दो पंक्तियां बनाई जाती हैं। एक खिलाड़ी रेखा के पीछे अपना पांव रखकर शुरुआत करता है और निर्देश मिलते ही दौड़ना शुरू कर देता है। खिलाड़ी लगातार दो लाइनों के बीच दौड़ता है और जब बीप बजती है तो उसने मुड़ना होता है। प्रत्येक एक मिनट या इसी तरह से तेजी बढ़ती जाती है। अगर समय पर रेखा तक नहीं पहुंचे तो दो और बीप के अंतर्गत तेजी पकड़नी पड़ती है, और अगर खिलाड़ी दो छोरों पर तेजी हासिल कर नहीं पाता है तो परीक्षण रोक दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिसमें परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये सबसे ये तो साबित होता है कि अगर अब आपको टीम में रहना है तो आपको फिटनेस साबित करनी होगी। अगर नहीं कर सकते तो टीम में जगह मिलना मुश्किल है, चाहे आप कितने बड़े नाम क्यों न हो। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।